श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति श्रीफल न्यूज। एक अंतर मना संत के तपोबल से अनन्य धर्म प्रभावना। बिरले ही होते जो कम समय में साधना के शिखर पर पहुंच अपने साधक धर्म का निर्वहन करते हुए भी अनन्य धर्म प्रभावना के माध्यम बनते हैं। उनका तपोबल ही उनकी पहचान होता है और उसी से वे जन कल्याण और मानव सेवा के पुनीत कार्य को संपादित करते हैं। ऐसे ही तपस्वी अंतर्मना साधक संत हैं मुनि श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनकी विशेषताएं आपको बताते हुए श्रीफल न्यूज अत्यंत हर्षित है। 16 वर्ष की किशोरावस्था में ब्रह्मचर्य धारण करने वाले छतरपुर के दिलीप जैन ने मात्र 3 साल बाद ही 18 अप्रैल 1989 को महावीर जयंती के शुभ अवसर पर जैनेश्वरी मुनि दीक्षा आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज से परतापुर में ग्रहण की और बन गए मुनि श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज। ये महावीर स्वामी की ही कृपा है कि उनसा बनने की चाह लिए जो युवक घर से निकला था, उन्होंने अपनी साधना का तप इतना तीव्र कर लिया कि आज कई विशेषताओं को धारण किए वह आत्म कल्याण की राह पर सहजता से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने समाज कल्याण को भी उतना ही महत्व देते हुए सदा धर्म प्रभावना का कर्तव्य पूर्ण किया है। आज हम ऐसे ही स्थिर चित्त संयमी तपस्वी की विशेषताओं को जानेंगे उनके भक्तों के ही मुखारविंद से। वाक शक्ति के धनी है मुनिश्री। मुंबई से भक्त अमित बड़जात्या कहते हैं कि मुनिश्री ने जब से मौन साधना का क्रम प्रारंभ किया है, तब से उनकी वाणी में चमत्कार होने लगा है। उनके वचन फलीभूत होने लगे हैं। हमने तो देखा है उनका वचन कभी निष्फल नहीं होता। वे पिछले 10 वर्षों से निरंतर प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर जिन सहस्त्र नाम आराधना करते हैं। उन्होंने 2014 में अतिशय क्षेत्र पदमपुरा जी में 200 दिन की आर्य मौन साधना व सिंह निष्क्रीडित व्रत किया। इसके बाद नागपुर चातुर्मास में 32 उपवास और मौन साधना भी की। वे सदा तपस्या में लीन रहते हैं और वर्ष भर अष्टमी चतुर्दशी व प्रति शुक्रवार मौन धारण करते हैं। ऐसे तपस्वी की वाक शक्ति भला कैसे निष्फल हो सकती है। करुणामय वात्सल्य मूर्ति हैं गुरुदेव। मुंबई की ही डॉक्टर दर्शना बड़जात्या बताती हैं कि मुनिश्री के करुणामय वात्सल्य पूर्ण स्वभाव का परिचायक है उनका हर चातुर्मास में 400 से 500 व्यक्तियों को शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेत शिखर जी की यात्रा समाज द्वारा करवाना। वे जहाँ भी चातुर्मास करें धर्म प्रभावना हेतु अपने इस कार्य को पूर्ण जरूर करते हैं। वर्ष 2016 के बैंगलोर चातुर्मास से तो वे करीब 400 तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा द्वारा सम्मेत शिखर जी भेज रहे हैं। इसके पीछे उनके मन में यही भाव है कि कोई भी व्यक्ति नरक और तिर्यंच गति को प्राप्त न हो। शास्त्रोक्त है कि जो भाव के साथ शिखर जी की वंदना करता है वह नरक या तिर्यंच गति में नहीं जाता है। साधना का प्रताप है उनके हाथों में। इंदौर की डॉक्टर संजय जैन कहते हैं कि मुनिश्री ने आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के दर्शन करते ही उन्हें अपनी साधना की प्रेरणा मान लिया था। उन्हीं का स्मरण कर वह साधना को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं। घंटों धूप में बैठकर सामायिक करना, ध्यानस्थ रहना और उस साधना का फल सदा श्रावकों में बांट देना, यह एक उच्च स्तरीय तपस्वी मुनि ही कर सकता है। यह मेरा अनुभव है कि मुनिश्री अपनी साधना के प्रताप से जिस श्रावक पर हाथ रखते हैं उसके रोग शोभ दूर हो जाते हैं। गुरुवर अत्यंत सहज और सरल स्वभावी हैं, उनके पास से आज तक कोई निराश नहीं लौटा है। भाव शुद्धि हेतु चांदी। कोलकाता के भक्त विवेक गंगवाल भक्तिभाव से बताते हैं कि मुनिश्री जहाँ भी चातुर्मास करते हैं उस मंदिर में अभिषेक पूजन के बर्तन चांदी के बनवाते हैं। अपने उपदेश में मुनिश्री कहते हैं कि चांदी शुद्ध है, इसका प्रयोग करने से मन में शल्य नहीं होता और भाव भी शुद्ध होता है। स्टील के बर्तनों में अभिषेक पूजन करने से मन में शल्य आता है और यह शुद्ध धातु भी नहीं। मैंने अनुभव किया है कि जब से गुरुदेव का आदेश मान जिन मंदिर में इस व्यवस्था को करवाया है, समाज में एकता और प्रेम कायम रहने लगा है। मुनिश्री समाज को उत्कृष्ट सकारात्मक दृष्टि देकर धर्म प्रभावना ही तो करते हैं और हम उन्हें नमन कर अपने भावों की शुद्धि कर लेते हैं। उनकी दृष्टि से बदली है सृष्टि। उदयपुर के भक्त अजय जैन का कहना है कि गुरुदेव की दृष्टि से मेरे परिवार की सृष्टि ही बदल गई। आज पूरा परिवार शांति और समृद्धि को प्राप्त है। जब से उन्होंने गुरु मंत्र दिया है सारा परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ है।
आज हम सब एक साथ मंत्र जाप करते हैं। हम हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। हर संकट गुरु नाम से दूर हो जाता है। ऐसे गुरु को पाकर किसका जीवन धन्य नहीं होगा जो सदा अपने भक्तों के कल्याण की भावना भाते हैं और मैं उनके अनुगमन में अपने मोक्ष मार्ग के प्रशस्त होने की भावना भाता हूँ। प्रभु भक्ति में लीन हो करते हैं जप। ग्वालियर के प्रशांत गंगवाल के मुताबिक हर समय जाप माला हाथ में रखने वाले गुरुदेव सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। विहार के दौरान आने वाले सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन, आचार्यों के दर्शन करने से वे कभी नहीं चूकते। सदा अपनी साधना में रत रहते हुए निर्बाध रूप से अपनी चर्या का निर्वहन करते हैं। उन्हीं की तपस्या का फल है कि हम सभी भक्त हमेशा कष्टों से दूर रहते हैं। सच कहें तो हम ऐसे संत के पास खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने आशीर्वाद की छाव में हजारों भक्तों की पीड़ा हरने वाले गुरुदेव सदा जिनागम का ही ज्ञान प्रदान करते हैं। जिनागम में उल्लेखित अनेकों व्रत। उपवास की साधना करने वाले गुरुवर ध्यानस्थ रहकर आत्म कल्याण की राह सशक्त कर रहे हैं। उनकी तपस्या ही उनकी पहचान है और उनका तपोबल ही उनके धर्म प्रभावक होने का माध्यम। श्रीफल न्यूज परिवार ऐसे अंतर्मना तपस्वी मुनि के चरणों में शत शत नमन करता है और यही भावना भाता है कि सदा उनकी साधना की खबरें, उनके विचार और चिंतन, उनके आयोजन और आहार विहार आदि की जानकारियां आप तक सजगता से पहुंचाता रहे। श्रीफल न्यूज के लिए राखी जैन और आकांक्षा पाटनी की विशेष रिपोर्ट।